Now we will see what diversity awareness, networking, integrity, and honesty are uh, for the leadership skills. Diversity awareness is one's ability to embrace the uniqueness of all individuals along several dimensions such as race, religious beliefs, ethnicity, age, gender, physical abilities, political beliefs, and socioeconomic status. देखिए डाइवर्सिटी जो है वो हर तरह से हमारे अंदर मौजूद है कुदरत का निज़ाम है वो सिर्फ इंसानों में नहीं है वो पौधों में है वो फूलों में है कायन के तमाम असूलों में है लेकिन उनमें देखिए देखा जाए तो हर एक चीज़ का अपना एक किरदार अपनी एक जगह और अपना एक रोल है यही हकीकत हमें अपने बच्चों में इनकुलट करनी है कि उनको पता चले कि हर कोई एक जैसा नहीं होता और अगर लोग मुख्तलिफ़ तरह के हैं और मुख्तलिफ तरह की मखलूक हैं तो उनके अपने अपने रोल्स हैं अपनी अपनी जगह हैं हम उन सबको एक ही नज़र से नहीं देख सकते ना उनके अंदर एक जैसी खूबियाँ खामियाँ होती हैं तो हम समझते हैं कि बच्चों को शुरू से ये बताया जाए कि उनके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं ख्वा व उनके सिबलिंग हैं ख़्वा वो उनके, है, उनके क्लासमेट्स हैं और ख्वा उनके वो कज़न्स और रिश्तेदार हैं वो सब अलग अलग सलाहियतें रखते हैं और उनकी सलाहियत को और उनकी एबिलिटीज़ को इन बच्चों को तस्लीम करना है और लाइक वाइज अपनी सलाहियतें भी उनको मनवानी है जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे रेस की देखिए रेस जो है वो ज़ाहिर दुनिया के अंदर बेशुमार नस्लें हैं ख़ुद पाकिस्तान माशाल्लाह इतना डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पर आपको बलोची भी मिलेंगे सिंधी भी मिलेंगे पंजाबी हैं हर तरह के लोग मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ़ रेसिस से ताल्लुक़ रखते हैं फिर हमारे यहाँ मजाहब भी मुख्तलिफ हैं वो भी ए एक अकलीतें भी हैं और अक्सरियत भी है, है मुसलमानों की अक्सरियत है अलहद लेकिन हम अपनी अकलीतों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं और उनके हकूक़ पर उतनी ही ज़्यादा ज़ोर शोर से बात करते हैं और एक्शन लेते हैं सो रिलीजस बिलीव्स को भी एक्सेप्ट करना है आपके इर्द गिर्द हर रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे हर रेस के लोग मिलेंगे अथनिसिटी के मिलेंगे हर उम्र के लोग हैं देखिए हर उम्र के लोगों की डाइवर्सिटी का अपना रोल है आपसे छोटों का अपना रोल है आपसे बड़ों का अपना रोल है तो बच्चों को बताया जाएगा कि उनको अपने से बड़ों से कैसे पेश आना है कैसे उनकी बुजुर्गी को एक्सेप्ट करना है अपने से छोटे बच्चों से किस तरह से पेश आना है किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करना है उनको हेल्प आउट करना है उनको बताना पड़ेगा कि इस वक्त इनको आपकी मदद की ज़रूरत है आपके इर्द गिर्द माशरे में तमाम अशास को तमाम लोगों को एक्सेप्टेंस दें और उनकी मदद करने की कोशिश करें और होगा ये कि उससे इंस्ट्रूमेंटली वो आपकी मदद करेंगे सो so, हम समझते हैं कि इसी तरह आप बचपन में अगर बच्चों को डाइवर्सिटी अवेयरनेस देते रहेंगे तो आने वाले दिनों में उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स जो हैं वो स्ट्रांगली वो नर्चर करेंगे एंड देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखिए हर तरह के बच्चे एक स्कूल में भी जमा हैं एक पार्क में भी हैं और तो और रिश्तेदारों में भी बहुत फ़र्क हो जाता है किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स हैं किसी के पास कम है तो हमें ज़रूरत है बच्चों को ये समझाने की कि ये तमाम अशिया हमारे कंट्रोल में ऐस सच नहीं है ये अल्लाह सुबहाना तला की तरफ से एक डिस, एक डिस्टिंगशन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो अल्लाह ने सबको दी देखिए रंग का समटाइम्स ऐसा होता है देखिए कुछ बातें अभी हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स मैटर अल्फाज बड़ी जो है वो रखते हैं अहमियत रखते हैं किसी ने अपने बच्चे को ये कहा कि झूठ बोलने से आ, काला हो जाता है अब वो इतफाक की बात है कि उसके दादा जो थे उनकी रंगत कुछ डार्क थी तो वो कहने लगे दादा क्या आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे जो आपकी रंगत हुई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कभी ही नहीं करने है, ना इस तरह की कोई बात खुद से बनाएं यही वो सारी चीजें हैं जो हम दूसरों के बारे में एक सोच इन डेवलप कर देते हैं अपने बच्चों के बीच में और फिर उनके वो एक खास बिलीव जब बन जाएंगे कि इस तरह के रंग या इस तरह की नस्ल के लोग या इस मजहब के लोग या इस सेक्ट के लोग जो हैं वो उनके अंदर उनको दूर रखा जाए या अवेरियन इख्तियार की जाए या उनके करीब ना जाया जाए तो वो सारी जिंदगी के लिए उनके अंदर एक स्टीरियोटिपिकल थाट जो है वो डेवलप कर जाती है सो देर आर फोर लेयर्स ऑफ डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जैसे मैंने अर्ज किया कि रेस में है एथलिसी में है रंग नस्ल में है सोशियोकनॉमिक्स हैं एंड दैन कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वनस लाइफ वेदर ही इज़ अ कामन पर्सन और अ लीडर तो देखिए मैं जैसे बार बार जिक्र कर रही हूँ कि लीडरशिप स्किल्स डिवेलप करने का मतलब ये है कि हमारा बच्चा थोड़ा दूसरे लोगों से कुछ बेहतर होगा क्योंकि उसी को लीडर कहेंगे ना जो दूसरों से बेहतर परफॉर्म करेगा दूसरों से ज़्यादा बहादुर होगा ज़्यादा उसको डाइवर्सिटी की समझ होगी ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट करेगा तो हम ये कहते हैं कि इसमें सबसे पहले तो ये है के बच्चों और एडल्ट्स के जो आपस के ताल्लुक हैं वहां पे डाइवर्सिटी को प्लेस दी जाए एडल्ट्स जो कुछ प्रैक्टिस करते हैं बच्चे वही करते हैं सुजेशन और एडवाइस उतना काम नहीं करते फिर इसकी तरह जो बच्चों के साथ बड़े जो उनके साथ बिहेव करें और बच्चे बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करें सो वी नीड टू रेसिप्रोकेट इन दोनों चीजों को हमने देखना है कि दोनों म्यूचुअली जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हों बच्चों की अगर इज्जत की जाएगी तो वो बड़ों की भी करेंगे इंटीग्रिटी डील्स विद ऑनेस्टी एंड मॉरेलीटी और ये जो अगली लीडरशिप क्वालिटी है इंटीग्रिटी कि भाई आप ईमानदारी के साथ और खालस अपने आप को रखते हुए पर्पजफुल कोई एक्टिविटी कर रहे हों और उसमें फिर कुछ और गलत बात मत सोचें इसको हम ऑनेस्टी कहेंगे तो ऑनेस्टी जो है वो प्राइम फीचर है लीडरशिप स्किल का क्योंकि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो फ्राइज़ उनको सौंपे हैं या कोई आ, माली चीज़ उनको दी है या कोई इक्विपमेंट या टॉयज उनको दिए हैं तो वो उसके मुकम्मल तौर पर अमानतदार हैं ये इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी की बेहतरीन मिसाल है